स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं लगभग 6, तो अब चलते हैं हम संगम की तरफ। आज महाशिवरात्रि, तो चलते हैं संगम में और दिखाते हैं संगम का नज़ारा कैसा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं संगम और यहाँ पर इस समय झाड़ू लग रहा है, चारों तरफ साफ सफाई हो रही है। हालांकि आज के बाद जो है कि मेला ख़त्म हो गया है जो भी था, क्योंकि माघ मेला तो पहले ही ख़त्म हो गया था। महाशिवरात्रि की वजह से सभी जो लाइटें थी और जो प्रशासन थे तो अभी तक रुके हुए थे। आज महाशिवरात्रि ख़त्म हो गया है, तो आज के बाद ही ये जो लाइटें हैं और जो प्रशासन है यहाँ से हटा लिया जाएंगे। फ्रेंड, शाम तो हो गया है लेकिन यहाँ पर भक्तों का जो है लंबी लाइनें लगी हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक भक्त है जो पूरी तरह से नतमस्तक है माँ गंगा से, और यहाँ पे देखिए चारों तरफ कुछ इस तरह का नज़ारा है। अभी भी प्रशासन यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। शाम को हम आपको बता दें लगभग 6:30 बज रहा है अभी। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं। वैसे चंदन कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। आपकी इच्छा, कोई पूछा नहीं जाता। दान में कोई 1 रुपए से 1 लाख भी होता, करोड़ भी होता, जो आता नहीं। करोड़ के लायक अभी तो नहीं है। नहीं बेटा, ये गंगा मैया सब देगी बेटा, दान की बात हो रही है। 1 से 1 करोड़ होता है, 1 से 1। आप खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है, गंगा मैया खुश है, बिल्कुल गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो फ्रेंड, हमने चंदन भी लगवा लिया। हालांकि भैया जी का चंदन एकदम चौचौक बना है, लेकिन उनसे ज़्यादा चौचौक हमारा बना है, सबसे अच्छा हमारा बनाया गया है। आपको ये लग रहा होगा दो नहीं, ऐसा नहीं है, पोर्ट्रेट बनाया गया है। उनसे हमने पूछा कि आपने ये क्या कर दिया, तो आपने उन्होंने बोला कि आप पर शंकर जी का बहुत रहम है, भगवान जी का बहुत क्या बोलते हैं आशीर्वाद है, इसलिए आपने दो छप गया पोर्ट्रेट। इसे पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। हाँ, अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं आपको और यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाते हैं। हालांकि यहाँ की सारी चीज़ें लगभग हम दिखाई चुके हैं कल वाले वीडियो में, लेकिन आपको ये भी बताते हैं, यह वीडियो महाशिवरात्रि का ही है, लेकिन महाशिवरात्रि के बाद यहाँ जो सजावट हुई थी ये सब हटाया जाएगा, क्योंकि माघ मेला जो था पहले ही ख़त्म हो गया था। महाशिवरात्रि की वजह से यहाँ पर चारों तरफ जो है अभी तक लाइट जो लगी थी वो नहीं हटाया गया था। आज महाशिवरात्रि हो भी जा रहा है, तो आज के बाद यहाँ से जो लाइटें वगैरह हैं सब हटाए जाएंगे। तो जो प्रयागराज एक दुल्हन की जैसे सजी थी, तो वह कह सकते हैं उनकी एक विदाई की तरह हो जाता है प्रयागराज का। तो चलते हैं चारों तरफ, आपको दिखाते हैं क्या माजरा है शाम का यहाँ पर। और फिलहाल आरती होने जा रहा है गंगा मैया का, तो हम थोड़ा सा आरती भी दिखाएंगे। यहाँ पर पंडित जी आरती का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने वाले हैं। हालांकि सिर्फ क्या बोलते हैं दिया जलाना रह गया है। तो चलते हैं, जलवाते हैं और फिर उसके बाद आरती भी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर दिया जलाया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। हालांकि जो करवा रहे हैं आरती, आज वही दिया जला रहे हैं, इसलिए हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। देख लीजिए, दिया चालू हो गया है। तो फ्रेंड, प्रसाद के नाम पर पुष्प मिल रहा है, हम भी ले लेते हैं। जिनको नहीं मिला है पुष्प ले लेते हैं। नहीं, हमको भी चाहिए।
जिनको नहीं मिला है वो ले ली। धन्यवाद गुरु जी, ये पुष्प है। धन्यवाद गंगा भैया। माँ गंगा की तरफ हाथ जोड़ के पुष्प सभी भक्त माँ गंगा के हम कैसे हाथ जोड़े हम कैसे हाथ जोड़े हरि हरि ओम ओम फ्रेंड, जो पुष्प मिला था उसे अर्पित करना है माँ गंगा मैया को। हम चलते हैं और आगे, यो अर्पित हो गया तो चलते हैं पीछे। और क्या हालचाल? बढ़िया भैया। क्या नाम है? शशि प्रकाश मिश्रा भैया। कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया से तो शाम को आए हैं स्नान करने? घर पे थे क्या? नहीं नहीं, रूम से आए हैं शाम को स्नान करने। सुबह सुबह सो रहे थे। पकड़ लिए पकड़ लिए। चलिए अच्छी बात है। गंगा आरती देखी आज, बहुत मजा आ गया। चलिए आज लास्ट भी है, इसके बाद एक दो लोग आएंगे इसके बाद। चलिए ठीक है। जय जय ओम नमः पार्वती हर महादेव। सभी भक्तजनों की जय। माँ गंगा के भक्तों से। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर महाशिवरात्रि का झलक देख ही चुके होंगे किस तरह से यहाँ पर सभी भक्तों में उत्साह है। तो रात का जो प्रोग्राम है वो अलग ही है, हालांकि यहाँ पे नहीं है संगम पे, और अलग अलग जगह पे है, जैसे मन कामेश्वर वगैरह वगैरह। तो चलते हैं, घूमते हैं, हम भी आप लोगों को दिखाते हैं क्या हाल चाल, मजे लेते हैं हम भी महाशिवरात्रि का। और फ्रेंड, जो हमने गंगा आरती आपको दिखाया वो पर्सनली कोई व्यक्ति करवा रहा था अपने तरफ से, हालांकि जो गंगा आरती महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में होगा वो यहाँ पर है। ऊपर 7 बजे आरती हो रहा है, तो चलते हैं आपको पास से दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधा क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 लोग मिल करके करेंगे, और सभी लड़के ही हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो शिवलिंग बना हुआ है पूरा बिस्किट का बना हुआ है, पार्ले जी बिस्किट है, हालांकि अलग अलग भाग बना करके इस तरह से सजाया गया है, रखा गया है। और आप देख सकते हैं बगल में ही आरती का सामान भी है, जिसमें दिया जलाएंगे या फिर जिसमें धुआं जलाएंगे, सब जो करते हैं पूरा सामान यहाँ पर रखा गया है, और जो आरती करने वाले सब बैठ चुके हैं। फ्रेंड, ये देख सकते हैं, आपका नाम क्या है? अंश पांडे। ये अंश पांडे हैं, ये प्रयागराज के ही हैं, लेकिन ये शाम को आए हैं, सुबह नहीं आए थे। आप सोच सकते हैं कितना ये स्लो हैं, इस पर इनको इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये यहीं के हैं यार, इनको सुबह भी आना चाहिए शाम को भी आना चाहिए। सोचो हम जौनपुर से सुबह आए शाम को भी आए। हाँ यार, ये तो मीन्स बना दिए आप। और ये हैं इनकी माता जी, तो यहाँ पे आए हैं अभी आरती देखने के लिए। आरती देख करके तो वही घूमते हुए जाएंगे, आगे मेला भी है, हालांकि मेला मैं भी देखने वाला हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर घूम लिए हैं, अब चलते हैं रूम की तरफ। उसके पहले हम नागवासुकी रुकेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे, वहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद चलेंगे रूम पर। तो फ्रेंड, ये प्राचीन नागवासुकी मंदिर है जहाँ पर लोग बैठ करके मजे कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भाई लोगों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। हालांकि मैं सोचा था शाम को चलूँगा तो यहाँ पर कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही भीड़ लगी हुई है। चलते हैं, बगल में प्रसाद मिल रहा है तो पीते हैं। तो फ्रेंड, अब लेते हैं हम प्रसादी और देखते हैं यहाँ पर, भाई साहब दे दीजिए हमें भी। अरे यार, ये तो पूरा को पूरा लीक है, गिर रहा है भाई, दूसरा गिलास दीजिए।
देखिए यहाँ पर भाई उसी में डाल दीजिए, उसी में डाल दीजिए। ये हो गया ना, नशा तो नहीं करेगा? ओह क्या गजब बात है, नशा नहीं करेगा बोले हैं, तो अब हम चलते हैं पीते हैं। तो फ्रेंड न चाहते हुए हम जीवन में पहली बार पी लिए, लेकिन डर लग रहा है कि नशा ना कर दे, तो देखते हैं क्या होता है। नागवासी के मंदिर के ऊपर से ये जो नज़ारा देखने को मिलता है एकदम अद्भुत नज़ारा है। तो फ्रेंड अभी अभी मैं अपने रूम पे पहुंचा, तो और बहुत मज़ा आया शाम को जा करके वहाँ पर सब कुछ देख करके। शाम को शाम वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, मतलब जो लाइटिंग वगैरह होती है। इसके अलावा कई कई जगह पे भगवान शंकर जी का जो है रथ यात्रा भी निकाला गया था, जो मुझे देखने को मिला। हालांकि इस बार तो आपने जो नहीं देख पाया तो वो थोड़ी नहीं देख पाएगा। हाँ अगले साल आप महाशिवरात्रि को अगर रथ यात्रा देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इलाहाबाद में कई जगह रथ यात्रा निकलता है, जैसे लक्ष्मण मार्केट, कटरा वगैरह वगैरह। तो उस समय का जो सूचना रहेगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। करते हैं यहीं पे वीडियो को अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लाइव में, तब तक के लिए राधे राधे।